प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने सावेर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि 15 साल में पटवारी बदल चुके हैं। जिस गांव में जाओ वहां शिकायतें मिलती है कि वो पैसे लेकर भी काम नहीं करते हैं। पटवारी नामांतरण बंटवारे के नाम पर 8 से 10 हज़ार रुपये मांगते हैं। अब हंगामा होने के बाद सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह अपने बयान से पलट गए हैं। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मैंने पटवारियों के भ्रष्ट होने की बात नहीं कही, बस ये कहा कि जहाँ जाते हैं वहाँ पटवारियों की शिकायत मिलती है, काम नहीं करते हैं, लोगों को 2 से 3 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने किसी को भ्रष्टाचार के लिए आरोप नहीं लगाया, केवल ये कही जहाँ जहाँ हमें शिकायतें मिलती हैं, जहाँ जिस गांव में जाते हैं किसानों की शिकायतें मिलती हैं कि पटवारी उन्हें नामांतरण नहीं किए, जिन पर विवाद नहीं है, 3-3, 4-4 वर्ष हो जाती हैं, उस बात का जिक्र किया है। मैंने व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगाया और कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। जब किसान भाई इस तरह की शिकायत करते हैं, 3-3, 4-4 वर्ष से विवादित नामांतरण बंटवारे क्यों पड़े हुए हैं, ये उनकी ड्यूटी है, करना चाहिए। उनमें आप पटवारी साथियों को भी अपना आत्ममंथन करके इस समस्या का निदान, किसानों की शिकायत ना आए, इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।